गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसी चीज़ को एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो भौतिकी में अनेक घटनाएँ आवेगी प्रकृति की होती हैं, यानी इम्पल्सिव होती हैं। इम्पल्स का मतलब होता है अ फोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज़ अ रिएक्शन। आप कोई फोर्स लगा रहे हैं या अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जिसके वजह से कुछ ना कुछ आपको एक प्रतिक्रिया मिलेगी, प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाली शक्ति। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको कोई ना कोई रिएक्शन मिलेगा, इम्पल्सिव होती हैं। जैसे यांत्रिकी तंत्र में कोई मैकेनिकल आपका सिस्टम है उसमें आपने बात कर रहे हैं तो हथौड़े की चोट संगत, आपने हथौड़े से किसी चीज़ पे मारा तो वो इम्पल्सिव कहलाएगा, आवेगी प्रकृति की कहलाएगी। या कोलिजन हो रहा है, टकरा रहे हैं कोई चीज़ आपस में, तो वो इम्पल्सिव कहलाता है। या LC जो परिपथ है आपका, LC सर्किट जो होता है उसमें कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना, ये सारे आपकी आवेगी प्रकृति की होती हैं। ऐसी घटनाओं की गणितीय व्याख्या के लिए एक ऐसे फलन का उपयोग करते हैं। अब ये जो आपने एग्जाम्पल्स देखे, इस तरीके के एग्जाम्पल्स में इन एग्जाम्पल्स की में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक ऐसा फलन चाहिए होता है जो किसी विशिष्ट समय में सूक्ष्म समय अंतराल के लिए नॉन ज़ीरो हो, शून्यतर हो, तथा अन्य समूह के लिए शून्य हो। मतलब एक छोटे से टाइम के लिए तो उसकी कुछ वैल्यू हो और बाकी सारे टाइम के लिए उसकी वैल्यू क्या हो, ज़ीरो के बराबर हो या ज़ीरो हो जाए। ऐसे हमें फंक्शन की ज़रूरत है और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहते हैं। डायरेक्ट ने और इसका किसने सबसे पहले इस चीज़ को किसने दिया था, डायरेक्ट ने दिया था, इसलिए इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। सर्वप्रथम क्वांटम यांत्रिकी की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में लिया था। जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो एक चैप्टर आएगा क्वांटम मैकेनिक्स, उस क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का डायरेक्ट ने यूज़ किया था, इसीलिए इस फलन को हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, मतलब उस फिजिसिस्ट के नाम पे हम इसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यद्यपि ये यथार्थ फलन नहीं है, हम इसको मतलब एक डेफिनाइट फंक्शन नहीं कह सकते हैं, परंतु इस फलन का मान केवल विशिष्ट स्थान या समय के अतिरिक्त सर्वत्र शून्य माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, छोटे से टाइम के लिए ये आपका सस्टेन करता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है और उसके बाद ये बहुत जल्दी से इसकी वैल्यू घट जाती है या ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो इसको अगर हम देखें तो अगर मैं इसको डिफ़ाइन करा जाए तो इसको डिफ़ाइन किस तरीके से किया था डायरेक्ट ने कि डेल एक्स उस फंक्शन का नाम है जो हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं मैथमेटिकली। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट अनंत होती है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, और जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है या जहाँ जहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं लूँ तो इन प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करके अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं हम। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी इस फंक्शन को, आप इस तरीके के फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर आएगी। प्रथम समीकरण के अनुसार ये फलन एक्स के विशिष्ट मान x = 0 पर पीक वैल्यू शिखर मान दे रहा है, नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, तथा समीकरण 2 के अनुसार ये फलन x = 0 पर तीक्ष्ण वक्र प्रदान करता है। और अगर मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्म में इसको अगर मैं बनाऊंगी मैथमेटिक्स, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, तो मेरे पास ये इस तरीके का एक फंक्शन आएगा जो कि x = 0 पर एक पीक वैल्यू दे रहा है, शिखर मान दे रहा है, तीक्ष्ण वक्र आ जाएगा जिसकी चौड़ाई घटने पर ऊंचाई इस प्रकार बढ़ती है कि तीक्ष्ण वक्र द्वारा सीमित क्षेत्रफल सदैव एकांक हो। मतलब इससे अगर आप इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे इसके एरिया की तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये था आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसी को मैं एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फंक्शंस विच आर इम्पल्सिव इन नेचर लाइक हैमर ब्लो, हथौड़े का मारना, ऑन अ मैकेनिकल सिस्टम कोलिजन, कैन बी LC सर्किट इन विच डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर,
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल फंक्शन सच दैट, और वो मैथमेटिकल फंक्शन किस तरीके से होना चाहिए, दैट फंक्शन हैज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे से टाइम के लिए उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो के बराबर हो, ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, एट पर्टिकुलर टाइम और इफेक्टिवली एट अ पॉइंट एंड इज ज़ीरो एल्सवेयर, और बाकी सब जगह उसकी वैल्यू क्या हो, ज़ीरो. सच फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल्टा फंक्शन, और इसको पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था, डायरेक्ट ने, इसलिए हमने इसको नाम दिया डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. और कहाँ डिनोट किया था, कहाँ यूज़ करा था, क्वांटम मैकेनिक्स में इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फंक्शन, ये कोई डेफिनाइट फंक्शन नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं है इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट इट इज़ डिफाइंड एज ज़ीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द ओरिजन. इसकी वैल्यू ज़ीरो के अलावा सभी जगह क्या होगी, ज़ीरो के बराबर होगी. तो डेल एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी ज़ीरो पर, और डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो सभी जगह पर, ज़ीरो के अलावा. तो अगर मैं इसको एक इंटीग्रल फॉर्म में दूंगी तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन. ये दो इक्वेशंस आ गई. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी द फंक्शन प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक वैल्यू. अभी मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जगह पर तो इसकी स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी, पीक वैल्यू के बराबर होगी. एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी द फंक्शन प्रोवाइड्स अ शार्प पीक एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, सच दैट ऑन डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द कर्व, उसकी विड्थ मतलब बहुत तेज़ी से वो क्या होगा, घटेगा, इट्स हाइट इंक्रीजेज इन सच अ वे दैट द एरिया कवर्ड बाय द कर्व, इतनी तेज़ी से वो डिक्रीज होगा, कमी होगी उसमें, कि जो वो एरिया अपने अंदर कवर्ड करेगा में रिमेन, तो उसका आप इंटीग्रेशन या आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन क्रिएट करके ही निकाल सकते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन के बराबर आएगी. तो यानी लिमिट माइनस टेंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन. यही था इसका थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ पे हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को डिफाइन किया है. अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन, ये एक सम फलन होता है. डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो होता है वो आपका सम फलन होता है, यानी अगर मैं x की जगह माइनस x कर दूं तो भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. x इज इक्वल्स टू माइनस x, जैसे cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, वैसे ही ये भी एक कैसा होता है, सम इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है. तो ये हुआ हमारे पास. अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी इसकी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वन. अब मैं इसमें x की जगह क्या रख दूँ, माइनस x रख दूँ. जब मैं माइनस x रखूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा. अब यहाँ पे जब आप इस चीज़ को चेंज करेंगे, जब आप x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स कर रहे हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी. पहले थी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. और ये जो डी एक्स माइनस एक्स था, इस माइनस को मैं बाहर लेकर आ गई. आपको समझ में आया, मैंने यहाँ पे x की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स करा. तो यहाँ पे भी माइनस एक्स हो गया, यहाँ पे भी माइनस एक्स हो गया. अब यहाँ पे जब आप x की जगह माइनस एक्स कर रहे हो तो आपका क्या होगा, लिमिट्स भी चेंज होगी. लिमिट्स क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी. अब ये जो इस चीज़ को तो मैं नहीं छेड़ सकती, पर मैं ये जो माइनस एक्स था इसको मैं बाहर लेकर आ गई. तो इसको जब मैं बाहर लेकर आई तो ये इक्वेशन इस तरीके से हो गई. मैंने दोनों चीज़ें यहाँ, इस इक्वेशन को आप भूल जाइए, इस इक्वेशन को देखिए. तो जब मैंने x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स किया तो इसके साथ जो माइनस था उसको तो मैं बाहर लेकर आ गई, और लिमिट ऑटोमेटिकली चेंज होगी क्योंकि आप x की जगह माइनस एक्स रख रहे हो मैथमेटिक्स में. तो ये आपका आ गया. अब ये माइनस हटाने के लिए मैं लिमिट दोबारा चेंज कर सकती हूँ. तो मैंने लिमिट चेंज कर दी, मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कर दी. तो अगर मैं इस इक्वेशन थ्री को और आपकी इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगी, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चले थे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स. मैं दोबारा बताती हूँ, मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर रही हूँ. तो लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा. इसका माइनस तो मैं नहीं चेंज कर सकती, पर इसके साथ जो माइनस था उसको मैं बाहर लेकर आ गई. तो मेरे पास इक्वेशन आ गई आपकी ये वाली, लिमिट हो गई प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस बाहर आ गया, डेल माइनस एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन आई. अब इस माइनस को मैं इससे चेंज कर सकती हूँ, लिमिट से. मैं लिमिट चेंज कर दूँ तो ये माइनस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. अब इस इक्वेशन थ्री को और इस इक्वेशन टू को, इसको इक्वेशन टू कह दीजिए आप,
इक्वेशन टू मैंने पहले ही लिख दिया है इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, दिस इज़ योर इक्वेशन टू। तो टू और थ्री को जब मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल माइनस एक्स इज इक्वल्स टू डेल एक्स, यानी कि डायरेक्ट डेल्टा फलन जो होता है वो आपका एक सम फलन होता है, इवन फंक्शन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, वो है आपकी एलजेब्रिक प्रॉपर्टी। मुझे नहीं लगता इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स है तो इसमें हिंदी इंग्लिश का कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। अब एक्स डेल एक्स, यानी एक्स को जब मैं डेल एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, ये इसको हमें प्रूव करना है। तो एट एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फंक्शन को डिफाइन करा था, फलन को जब हमने परिभाषित किया था, तो जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो आपका डेल एक्स ज़ीरो है। तो यानी कि अगर मैं ये चीज़ को यहाँ अप्लाई करती हूँ, जब एक्स ज़ीरो नहीं है, वन टू थ्री मैं यहाँ रखती हूँ, पर मैं डेल एक्स तो ज़ीरो रख रही हूँ, तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो कितना आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। पर जब आपका x डेल x आपका ज़ीरो नहीं था, तब आपका x ज़ीरो था, तो तब भी आपका ये ज़ीरो होगा, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, x की किसी भी वैल्यू के लिए आपका ये जो फंक्शन है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे x ज़ीरो हो चाहे x नहीं हो, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी, ज़ीरो के बराबर आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ज़ीरो डेल एक्स। मैं किसी फंक्शन को जब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास एफ ज़ीरो डेल एक्स आएगा। इसको मैं प्रूव कर दूँ, इफ़ एफ एक्स इज अ जनरल कंटिन्यूस फंक्शन देन द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स डेल एक्स विल बी ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो, हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हमने ये बोला था, या हमने जब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमने डिफाइन करा था, तो आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जब x ज़ीरो नहीं है तो एग्जिस्ट, x ज़ीरो के बराबर है तब तो एग्जिस्ट करता है, और जब x ज़ीरो नहीं है वहाँ पे आपका डेल्टा फंक्शन क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो यानी कि इसको आप भूल जाइए, यानी इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस कब होगी, जब x की वैल्यू ज़ीरो है, तभी आपका डेल एक्स आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, वरना डेल एक्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मुझे यहाँ x को ज़ीरो रखना पड़ेगा तभी मेरा ये फंक्शन इसके बराबर होगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, इफ़ एफ एक्स इज़ अ जनरल कंटिन्यूस फंक्शन देन द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स डेल एक्स विल बी ज़ीरो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, x की हर वैल्यू के लिए आपका इसका मल्टीप्लीकेशन ज़ीरो के बराबर होगा, एक्सेप्ट जब x की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, अब मैंने क्या करा, इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया, इस चीज़ को मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा दूं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैंने लगा दिया। अब मैं इस एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकती हूँ, इसकी जगह मैं रख सकती हूँ एफ ज़ीरो डेल एक्स, इसको यूज़ करके, तो मेरे पास ये आ गया। एफ ज़ीरो को मैं बाहर ले सकती हूँ, बाहर लूँगी तो ये वाली चीज़ तो मुझे पता ही है प्रॉपर्टी से किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है, तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ ज़ीरो के बराबर। भाई हमने क्या करा, हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँ कि जो पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने अभी प्रूव करी है, दैट इज़ ये वाली प्रॉपर्टी, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स तक। अब इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ एफ ज़ीरो डेल एक्स, तो मैंने यहाँ पे वही किया, मैंने इसकी जगह ये रख दिया, इस एफ ज़ीरो को मैंने बाहर ले लिया, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू आपको पता ही है प्रॉपर्टी से किसके बराबर होती है, वन के बराबर होती है, तो आपका कितना बच गया, एफ ज़ीरो बच गया। अब हमारी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी। स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए, स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी, डेल ए एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन मॉड ए डेल एक्स, ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या कंडीशन है कि ये वाली चीज़ जो है वो इसके बराबर होगी, कब, जब ए एक तो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, और ये ज़ीरो से
ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैं लेट अस कंसिडर एन इंटीग्रल ऑफ एन ऑर्डनरी फंक्शन एफ एक्स, मैं ये एक इंटीग्रल मान के चल रही हूँ, ये मैंने लेके चला है। जैसे मैं एफ एक्स डेल एक्स लेके चलती हूँ, वहाँ पे मैंने एफ एक्स डेल ए एक्स लेके चला, क्योंकि मेरे पास मुझे कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने ये एज्यूम करा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अगर मैं मानूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन ए, तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ रख देती हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगी क्वान्टिटी। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x तो रहेगा ही, और मैं x की जगह यहाँ पे मैं y के फॉर्म में करना चाह रही हूँ, तो मैं x की जगह तो y अपॉन a रख दूँ, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ax की जगह y आ गया, तो 1 अपॉन